आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, 9 वाट बिना गारंटी वाला यानी DOB वाला जो बल्ब आता है, ये देख रहे हैं DOB वाला जो बल्ब है, ठीक है, इस पे हम जो प्लेट है DOB का वो हम लगा देंगे सबसे पहले, ठीक है, और 2 स्क्रू के सहायता से इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद ये B22 कैप है और ये हाउसिंग है, इसको क्या करना है, B22 कैप को इस हाउसिंग में लगा करके, ठीक है, और इसको पंचिंग मशीन से इसको पंच कर लेना है, ठीक है, देखिए कैसे पंच करना है। इसको ऐसे रख के एक बार इधर से इधर कर देना है, ये देख रहे हैं ये पूरा कैप ये लग चुका है B22 कैप, ठीक है। अब इसका बारी आता है ये जो प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट से होके दोनों वायर को ले जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन, ठीक है, एक L और एक N का पॉइंट है, ठीक है, L के कोई भी वायर, ठीक है, किसी के जगह पे जोड़ दीजिएगा, वो आपका सोल्डिंग कर देना है, सोल्डिंग आयरन की सहायता से आपका बल्ब तैयार हो जाएगा। बराबर बताया से नहीं बने सोल्डिंग के ए नेटे पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन बोलिए आने चुपचाप ये कर दिया मैंने लाइन पे सोल्डिंग। अब न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है, एक वायर देख रहे हैं, इस वायर को आपको न्यूट्रल के ऊपर, ठीक है, सोल्डिंग करना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं है, मेन सोल्डिंग का प्रैक्टिस है, सोल्डिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। हाँ, ये सोल्डिंग हो चुका है। अब इसको आता है, अब इसको हम इस मशीन टिक्की मशीन से, ठीक है, इसको फिट कर देंगे, ठीक है, नहीं बैठा, हाँ ये बैठ चुका है। इसी तरह से ये बल है, इसका भी हम ऐसे इसको रख देंगे और इसके एकदम सामने में लाना है, ये देखिए ये बैठ चुका है, नहीं ये नहीं नहीं बैठ पाया, ये हो गया सामने, तो ठीक है, अब इसको ये हो गया, अब लास्ट बारी है इसका हाउसिंग लगाने का, ठीक है, देखना आपने, तो इसको हम हाउसिंग लगा देंगे, सामने कहीं दे दोगे, ये हाउसिंग लग गया, ये कंप्लीट बल्ब है, इसमें भी हम हाउसिंग लगा देंगे, ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये सब तैयार बल्ब हो गया, ठीक है, बंद कर।